क्या ACL की चोट अपने आप बिना सर्जरी के ठीक हो जाएगी? अगर नहीं होगी तो क्यों नहीं होती? इस वीडियो में हम आगे देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर संदीप सिंह है और आप मेरा ऑफिशियल YouTube चैनल देख रहे हैं, डॉक्टर संदीप सिंह ऑफिशियल। दोस्तों, मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि हमें ACL की चोट लग गई है तो वो अपने आप ठीक क्यों नहीं हो रही, अपने आप ठीक क्यों नहीं हो जाती। ये एक बहुत ही स्वाभाविक और बहुत ही नेचुरल क्वेश्चन है, क्योंकि जब भी हमें बॉडी में कहीं भी और चोट लगती है वो तो अपने आप ठीक हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर हमारे स्किन में एक छोटा सा कट लग जाए, हम देखते हैं वो 10-11 दिन में ठीक हो जाती है। वो क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पे थोड़ी सी ब्लीडिंग होती है, वहाँ पे हमारी बॉडी प्लेटलेट इकट्ठा करती है और उसके ऊपर टिश्यू बनके नया टिश्यू तैयार हो जाता है। बट दोस्तों, अनफॉर्चुनेटली हमारे जो जॉइंट होते हैं उसके अंदर ऐसा नहीं होता। रीज़न, अगर जॉइंट के अंदर ब्लीडिंग हो और वहाँ नया टिश्यू बनना स्टार्ट हो जाए तो जॉइंट की मूवमेंट ही बंद हो जाएगी। तो भगवान ने जो हमारी बॉडी बनाई उसके डिज़ाइन ही ऐसा किया कि जॉइंट के अंदर फ्लूइड बहता रहे। अभी फ्लूइड जो बहता है ये जॉइंट की मोबिलिटी और उसके लिए तो ठीक होता है, बट जब कोई जॉइंट के अंदर कोई लिगमेंट टूट जाए उसके लिए बड़ी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे ब्लीडिंग होने के बावजूद वो हील नहीं हो सकता क्योंकि पानी बहते जा रहा है। और जो टिश्यू की हीलिंग जो पोटेंशियल है वो इतनी स्लो होती है कि उसके ऊपर का जो बहाव है पानी का उसको ख़त्म कर देता है। इसीलिए जब कंप्लीट ACL टेयर होता है तो उसके अंदर वेट करने का या ऐसे सोचने का कि अपने आप ठीक हो जाएगा गलत होता है। इसका ये साइंटिफिक रीज़न है, क्योंकि जॉइंट के अंदर कभी भी हम हीलिंग देख ही नहीं सकते। तो जब हम ACL का जब सर्जरी करते हैं तो ACL का रिपेयर नहीं करते, उसे रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, कोई नया लिगमेंट लेके वहाँ लगाते हैं और ऐसे लगाते हैं कि जॉइंट के दोनों तरफ पार करा दें, ताकि जॉइंट के अंदर हीलिंग के लिए कोई चांस ही ना छोड़े हम। दोस्तों, जब ACL इंजरी होती है हमें कैसे पता चलता है कि हमें ACL इंजरी है? जब भी किसी को ACL इंजरी होगी तो घुटने के अंदर एक टक करके साउंड आएगी, घुटने के अंदर स्वेलिंग होगी, चलने में दिक्कत होगी। कुछ दिनों में ये सब तो ठीक हो जाता है, बट इंजरी के 1 से 2 हफ्ते बाद पेशेंट को इनस्टेबिलिटी लगने लगती है, क्योंकि जब सूजन कम हो जाती है तो घुटना ठीक से चलता नहीं है। हिंदी में ही इसे कहते हैं लचक होना। तो घुटने के अंदर एक हल्की सी लचक फील होने लग जाती है। बहुत कॉमन जो होता है पेशेंट्स को, उन्हें लगता है कि मेरे जो घुटने में चोट लगी है और जो घुटना ठीक है वो अलग अलग लग रहा है, वो सेम नहीं लग रहा है। इसमें ज़्यादातर लोग जाके MRI तो करा लेते हैं, बट कई बार वो लोग गलत फहमी में फंस जाते हैं कि हाई ग्रेड पार्शियल टेयर है या कंप्लीट टेयर है, ये अपने आप ही ठीक हो जाए, क्योंकि हमें पता है कि बॉडी के अंदर कोई भी चोट लगे वो तो धीरे धीरे ठीक होनी है। ये वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि प्लीज़, अगर आपको कंप्लीट टेयर या हाई ग्रेड पार्शियल टेयर है उसके लिए वेट मत करिए, क्योंकि वो कभी ठीक नहीं होने वाला, बॉडी उसको ठीक नहीं होने देगी, बिकॉज बॉडी के अंदर वो हीलिंग पोटेंशियल ही नहीं है नी के अंदर। अगर आपको हाई ग्रेड पार्शियल टेयर है या फिर आपका कंप्लीट टेयर है तो उसका ट्रीटमेंट सिर्फ एक ही चीज़ होती है, जो होती है सर्जरी, या कि आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी, जो कि कैमरा के माध्यम से की जाती है। दोस्तों, ACL सर्जरी जो होती है बहुत हाईली सक्सेसफुल सर्जरी है और उसके अंदर जो फेलियर का चांस बहुत लो होता है। प्रॉब्लम क्या होती है, कई बार लोग छोटी जगहों में या डर की वजह से अपनी ज़िंदगी के 2-3-4 साल ACL होने के बावजूद भी नहीं कराते हैं। उनके मन में ये डर रहता है कि मैं ठीक नहीं होऊंगा। अनफॉर्चुनेटली ये जो डर है वो आपके घुटने को ज़्यादा नुकसान दे रहा है सर्जरी से। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ साइनोवियल फ्लूइड आपका इंजरी कभी ठीक तो होगा नहीं, बट जो घुटने की लचक है उसके अंदर आपकी जो घुटने की माइनर इंजरी स्टार्ट हो जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट होती है कार्टिलेज की इंजरी, या कि जो घुटने के ऊपर का गद्दा होता है वो घिसना स्टार्ट हो जाता है। हम देखते हैं जब किसी का 3-4 साल बाद ACL किया जाए तो ऑल्दो वो सक्सेसफुल हो जाता है, बट उसकी जो नी होती है वो एक उस साल के इंसान से 5 साल की ज़्यादा की नी दिखती है, मतलब अंदर थोड़ी सी घिसनी स्टार्ट हो गई होती है। तो ये वीडियो इसीलिए मैंने बनाई, क्योंकि मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता था कि अगर आपको ACL इंजरी हुई है तो प्लीज़ इधर उधर की बात नहीं सुननी है, क्योंकि हमारा नी जो है वो हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट जॉइंट होता है, क्योंकि हमारी मोबिलिटी के अंदर हमारे नी का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। तो प्लीज़, अगर ACL इंजरी है इसकी ट्रीटमेंट ओनली एंड ओनली आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी है, जो कि बायोस्क्रू या एंडो बटन या फाइबर टेप इससे हो सकती है, वो आप हमारी बाकी वीडियोस में देख सकते हैं। नॉर्मली सर्जरी के अंदर हम पेशेंट्स को 1 से 2 दिन हॉस्पिटल के अंदर रखते हैं। पेशेंट सर्जरी के अगले दिन ही मोबाइल हो जाते हैं। अबाउट 3 to 4 मंथ्स ऑफ सर्जरी के अंदर पेशेंट्स अपना दौड़ना वगैरह थोड़ा बहुत स्टार्ट कर सकते हैं। आफ्टर 6 मंथ्स ऑफ सर्जरी वो रिटर्न टू स्पोर्ट और जॉगिंग वगैरह फुल स्पीड में कर सकते हैं। बाइक चलाना, स्कूटी चलाना अराउंड 1 से 2 महीने के अंदर स्टार्ट कर सकते हैं।
और लाइफ ऑपरेशन के तुरंत बाद ही ऑलमोस्ट नॉर्मल हो जाती है। बिकॉज एक आर्थोस्कोपिक और कैमरा सर्जरी होती है तो इसमें पेन भी बहुत ज़्यादा नहीं होती है। तो डरिए मत, अगर आपको कोई इस तरह की डायग्नोसिस है तो उसको डॉक्टर के साथ शेयर करिए। अगर आप हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर भी हमें ज़रूर कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आप इंडिया में हमसे दूर रहते हैं तो कोई बात नहीं, आप हमें हमारी व्हाट्सएप में रिपोर्ट्स भेजिए, हम ज़रूर आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे, आपको एटलीस्ट सही दिशा में तो ज़रूर भेजेंगे। दोस्तों, तो इसी के साथ मैं ये वीडियो को अंत करता हूँ। ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्ते।